नमस्कार मित्रों, संस्कृत में कल हमने यण संधि तक पढ़ा और यण संधि से आगे की ओर बढ़ रहे हैं अयादि संधि की ओर। और अयादि संधि का जो सूत्र है वो है आपके एचो अय वायाव। यहां देखें, एच वर्णों के स्थान पर अय अव आय आओ आदेश हो जाता है। बताया था कि एक आदेश तो दो के स्थान पर होता है और आदेश एक के स्थान पर होता है। तो देखें एच वर्ण कौन कौन से हैं। एच वर्ण जो आपके हैं ए ओ आई और औ, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ऐसा हमारे कौन सी संधि कहती है? अयादि संधि कहती है। ध्यान रखें, संधि विच्छेद में इनका उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखें एच वर्णों के स्थान पर ए ओ आई औ, इनके बाद स्वर होना चाहिए। तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। ध्यान रहे, संधि युक्त शब्द में से तो ये चारों ध्वनियां निकलती है, अय की, औ की, आय की और आओ की। यदि ये चारों ध्वनियां निकले तो संधि का नाम अयादि। और ध्यान रहे, जब संधि विच्छेद करते हैं तो अय का उल्टा ए, औ का उल्टा ओ, आय का उल्टा आई, आओ का उल्टा औ कर दिया जाता है और उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे हम आय के, आय के बाद औ के, औ के बाद आय के, आय के बाद औ के। देखिए सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम आय के। जैसे पहला उदाहरण है नयनम, दूसरा है चयनम। जैसे नयनम की बात करें तो नय नय किसकी ध्वनि निकल रही है? अय की। जैसे चयनम की बात करें तो चय चय किसकी ध्वनि निकल रही है? अय की। जैसे आता है हरये, तो हरये को जब बोलते हैं तो अय की ध्वनि निकलती है। ध्यान रहे, आधे य से पहले ए है, जहां पर ए जुड़ा है वहीं से शब्द के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। देखें आपके ए किस में जुड़ रहा है? ने में। यहां देखें ए किस में है? चे में। यहां पर देखें ए किस में है? रे में। वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं और टुकड़े में ए का उल्टा करते हैं। नयनम का जब उल्टा करेंगे तो ने प्लस अनम, चयनम का करेंगे तो चे प्लस अनम, हरे का करेंगे तो हरे प्लस ए। तो यहां पर देखें कि नयनम, चयनम, हरे, इनमें हमने देखा कि किसकी ध्वनि निकली? आई की ध्वनि निकली। और आई की ध्वनि किस संधि में से निकलती है? अयादि संधि में से निकलती है। ध्यान रहे, अब देखते हैं औ के उदाहरण। जैसे बात करें भवनम, जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं भवनम। जैसे पवन, पवित्रम, विष्णवे। यहां पर देखना यह है कि यहां से किसकी ध्वनि निकल रही है? यहां से औ की ध्वनि निकली तो औ का उल्टा क्या करना है? ओ करना है। तो ध्यान रहे, वैसे पहले जिसमें ए जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं।
और टुकड़े में क्या करना है, औ का उल्टा जोड़ना है। संधि विच्छेद करेंगे भो प्लस अनम, पो प्लस अनह, पो प्लस इत्रम, विष्णु प्लस ए, आगे देखें उदाहरण, आय के उदाहरण, जैसे नायक है, चायक है, डायक है, तो यहां पर देखें नायक चायक डायक, तो यहां पर देखें किसकी ध्वनि निकल रही है, आय की ध्वनि, और आय की ध्वनि जब निकलती है तो संधि विच्छेद करने पर आय का उल्टा जोड़ते हैं, उल्टा क्या है, आई है, आई को कहां पर जोड़ेंगे, जहां पर आ जुड़ा हुआ है, और जहां पर आ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, नई प्लस अक, चई प्लस अक है, डई प्लस अक, जैसे आता है विधायक, विधई प्लस अक, तो यहां पर हमने देखा इन उदाहरणों में से अय की ध्वनि निकली, इन उदाहरणों में से औ की ध्वनि निकली, इन उदाहरणों में से आई की ध्वनि निकली। आगे देखते हैं आओ वाले उदाहरण, जैसे आता है पाव कह, जैसे आता है भाव कह, जैसे आता है पावनम, जैसे आता है भाव कह, तो यहां पर देखें किसकी ध्वनि निकल रही है, आओ की, आओ में वैसे पहले आ जुड़ा हुआ है, जहां पर आ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, और संधि विच्छेद में आओ का उल्टा करना है, और आओ का जो उल्टा है वो होता है औ, और औ को कहां जोड़ते हैं, जहां पर आ जुड़ा हुआ है वहीं पर औ को जोड़ते हैं, पामे आ भामे आ पामे आ भामे आ, और जहां पर आ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर उसमें उल्टा जोड़े, जैसे पऊ प्लस अकह, भऊ प्लस अकह, पऊ प्लस अनम, भऊ प्लस उकह, यहां देखें स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, उसका जो पांचवा प्रकार है अयादि संधि, और अयादि संधि में हमने देखा कि ये चवर्णों के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो जाता है, तो यहां ध्यान रहे कि ये चवर्ण कौन कौन से हैं, ए ओ आई औ, इनके स्थान पर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो यहां पर देखा ऐसी संधि जिसमें से अय अव आय और आव की ध्वनि निकलती है अयादि संधि कहलाती है। तो ध्यान रहे थोड़ा सा, तो यहां पर सबसे पहले नयनम चयनम हरये भवनम पवनः पवित्रम विष्णवे नायकः चायकः डायकः विधायकः पावकः भावकः पावनम भावुकः। इन सभी उदाहरणों में से अय की, औ की, आय की और आव की ध्वनि निकली, और जब ये ध्वनियां निकलती है तो संधि आपके अयादि संधि होती है, स्वर संधि जिसको अच संधि कहते हैं। आगे देखें उसका जो छठा प्रकार है जिसका नाम है
पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। ध्यान रहे, संधि में से संधि का नाम पूछा जाता है और संधि विच्छेद पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो जो सूत्रों की बात कर रहे हैं उन सूत्रों को सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, क्योंकि ध्यान रहे रीट का जो लेवल है वो लो लेवल है, उस स्तर से हम तैयारी करें। तो यहां पर देखें, स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, उसका जो छठा प्रकार है वो है आपके पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंग पदांता दति। यहां पर देखें कि पूर्व रूप संधि कहती क्या है। पूर्व रूप संधि कहती है एक के बाद यदि ए आए तो ए को किस में बदला जाता है, एस में बदला जाता है। इस प्रकार आपके क्या बन जाता है, ए एस बन जाता है। उसी प्रकार ओ के बाद यदि ए आए तो इस ए को किस में बदला जाता है, एस में बदला जाता है, जिससे आपके क्या बन जाता है, ओ एस बन जाता है। तो ध्यान रहे ए एस और ओ एस कौन सी संधि कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। ए एस और ओ एस कौन सी संधि कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे हम संधि युक्त शब्दों में, तो आपको क्या दिखाई देगा, ए एस, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ए एस का क्या कर देते हैं, उल्टा, संधि युक्त शब्दों में ओ एस दिखाई देगा और संधि विच्छेद करते हैं तो ओ एस का क्या कर देते हैं, उल्टा, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे हम ए एस के, और ए एस के बाद पढ़ेंगे ओ एस के। तो ध्यान रहे जैसे बात करें ए एस की, पहला उदाहरण है हरेयव, जैसे दूसरा उदाहरण है मुरारेयो, जैसे ग्रामे अस्मिन, तो यहां पर देखिए संधि युक्त शब्दों में क्या जुड़ा हुआ है, ए एस जुड़ा हुआ है। ए एस कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि कहलाती है। ए एस कौन सी संधि कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो ए एस का क्या करेंगे, उल्टा, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। इस एस को किस में बदलना है, ए में बदलना है। तो यहां किया हमने संधि विच्छेद, हरे प्लस आओ, मुरारे प्लस आओ, ग्रामे प्लस अस्मिन, उसी प्रकार ओ एस के उदाहरण पढ़ेंगे हम, विष्णु आओ, को अपि, को अयम, तो यहां पर देखा कि इन संधि युक्त शब्दों में ओ एस आ रहा है। ध्यान रहे ओ एस का प्रयोग विसर्ग संधि में भी किया जाता है, ओ एस का प्रयोग विसर्ग संधि में भी किया जाता है। तो ध्यान रहे ओ एस आपके दो संधियों में होता है, एक तो पूर्व रूप संधि में और एक होता है आपके विसर्ग संधि में। ध्यान रहे ओ एस जब संधि विच्छेद करते हैं तो ओ एस का उल्टा करते हैं और एस को ए में बदला जाता है। जैसे विष्णु प्लस आओ, को प्लस अपि, को प्लस अयम,
यहां पर देखें पूर्व संधि एक एम पदात्तादति इसका सूत्र है, एक के बाद ए आए तो ए एस हो जाता है, ओ के बाद ए आए तो ओ एस हो जाता है, ए को बदला जाता है एस के रूप में। ए एस का प्रयोग तो एक ही संधि में किया जाता है पूर्व संधि में, जबकि ओ एस का प्रयोग दो संधियों में होता है, एक तो विसर्ग संधि में और एक पूर्व संधि में। ध्यान रहे यदि को अपि इत्यत्र के संधि अस्ति, को अपि में आपसे संधि पूछी जाए तो पहली वरीयता विसर्ग संधि को देना है, दूसरी वरीयता पूर्व संधि को देना है। ध्यान रहा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था को अपि इत्यत्र के संधि विच्छेद अस्ति, को अपि का यहां संधि विच्छेद कौन सा है? ध्यान रहे कि ओ एस जिस शब्द में आ रहा है उसके दो संधि विच्छेद होते हैं, तो को अपि का एक तो संधि विच्छेद होगा के है प्लस अपि विसर्ग संधि वाला, और एक जो संधि विच्छेद होगा वो पूर्व संधि में को प्लस अपि होगा। तो ध्यान रहे ओ एस में आपके दो संधि विच्छेद बनेंगे, एक तो विसर्ग वाला बनेगा और एक आपके पूर्व संधि वाला बनेगा। तो ध्यान रहे यहां पर देखें हरे आओ हरे प्लस अव, मुरारे अव मुरारे प्लस अव, ग्रामे अस्मिन ग्रामे प्लस अस्मिन, विष्णु अव विष्णु प्लस अव, को अपि को प्लस अपि, को अयम को प्लस अयम। ध्यान रहे ए एस और ओ एस, ए एस का तो एक संधि में प्रयोग होता है जबकि ओ एस का दो संधियों में प्रयोग होता है, एक तो विसर्ग संधि में और एक पूर्व रूप संधि में। तो पहली वरीयता विसर्ग को देनी है और दूसरी वरीयता पूर्व रूप संधि को देनी है। ध्यान रहे तो इसके जो संधि विच्छेद दो बनते हैं, एक तो बनता है केह प्लस अपि, एक बनेगा को प्लस अपि। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे पूर्वरूप संधि से अगला जो प्रकार है वो है पररूप संधि, और पररूप संधि में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, पररूप संधि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे स्वर संधि का जो सातवां प्रकार है उस सातवें प्रकार का नाम है पररूप संधि। और पररूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगी पररूपम, देखो ये सूत्र कहता क्या है, एंगी एक एंग प्रत्याहार होता है, एंग में आपके दो ही आते हैं और पर का मतलब होता है बाद वाला, ए के बाद यदि ए आए तो ए के बाद ए आए तो बाद वाला रूप क्या है ए, ए हो जाता है, क्या हो जाता है ए हो जाता है। यदि ए के बाद ओ आए तो बाद वाला रूप क्या है ओ, ओ हो जाता है। ध्यान रहे पररूप संधि में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं उपसर्ग का प्रयोग, और उपसर्ग का प्रयोग किस संधि में पररूप संधि में करते हैं। जैसे सबसे पहले उदाहरण की बात करें तो ए के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं पर क्या होना चाहिए उपसर्ग होना चाहिए, जैसे प्रेजति प्रेषयति, अवोसति उपोसति, यहां पर देखें प्रेजते में सबसे पहले देखें उपसर्ग है क्या, बिल्कुल है प्रे उपसर्ग। प्रेषयति में देखें उपसर्ग है क्या, बिल्कुल है प्रे उपसर्ग। अवोसति में देखें उपसर्ग है क्या, बिल्कुल है अव उपसर्ग।
उपोस्थि में देखें उपसर्ग है क्या है, बिल्कुल उप उपसर्ग। तो कहने का मतलब है उपसर्ग वाली जो संधि है, उपसर्ग का प्रयोग पररूप संधि में करते हैं, एक के बाद ए आए तो ए हो जाता है। ध्यान रहे, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। एक के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है, तो क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे प्रेजते का जब संधि विच्छेद करेंगे, प्रे में क्या लगा हुआ है ए, ए का जब उल्टा करेंगे तो प्रे, इसमें से प्रे में जो ए लगा है उसको बाहर निकाल कर क्या लिखा जाता है, ए जते। इधर देखें प्रे प्लस ए सियति, इधर देखें अवो प्लस ओसति, इधर देखें उपो प्लस ओसति, तो ध्यान रहे पररूप संधि में ज्यादातर जो उदाहरण है वो आपके अपवाद में से पूछ लिया जाता है। कुछ उदाहरण अपवाद के हैं जिसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सकंदु है, करकंदु है, कुल्टा है, लांगलीसा है, हलीसा है, मनीषा है, मारतंड है, जैसे बात करें सारंग है, सीमंत है, तो इन उदाहरणों में से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पतंजलि है, तो अपवाद के जो उदाहरण है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आता है सकंदुहु, जैसे आता है करकंदुहु, जैसे आता है कुल्टा, जैसे आता है हलीसा, जैसे है लांगलीसा, जैसे है मनीषा, जैसे है पतंजलि, जैसे है मारतंड, जैसे है सीमंत, जैसे है सारंग, इधर देखें ये अपवाद के जो उदाहरण हैं, और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो एक तो कुल्टा है, एक आपके मनीषा है, जैसे एक पतंजलि है, और एक आपके मारतंड है। इन चारों उदाहरणों का विशेष ध्यान रखें, इनमें टी संज्ञक पूछा जाता है। टी संज्ञक का मतलब है अचो अंत्यादि टी, जो अंत में जो आपके स्वर लगा हुआ है उस स्वर को क्या कहते हैं, टी संज्ञक कहते हैं। जैसे हमने संधि विच्छेद किया सकंदु का, सक प्लस अंधु, और पूछ लिया सकंदु में टी संज्ञक क्या है, प्लस से पहले देखें के, के में क्या है ए, सकंदु के में जो ए है वो आपके क्या है, टी संज्ञक है। उसी प्रकार करकंदु की बात करें, कर्क प्लस अंधु, इसमें भी क्या है टी संज्ञा, के में ए। यहां देखें कुल्टा में कुलो प्लस टा, इसमें भी क्या है टी संज्ञा, ले का ए। इधर देखें हल प्लस ईसा, यहां पर देखें क्या है ले में ए। लांगलीसा की बात करें, लांगल प्लस ईसा, इसमें भी टी संज्ञा क्या है ए। मनीषा की बात करें, मनस प्लस ईसा, ध्यान रहे स्वर की बात कर रहा हूं मैं। अब मनस प्लस ईसा में देखें तो यहां पर आधा से क्या है व्यंजन है, व्यंजन से जो पहला वर्ण है उसमें क्या है स्वर है, तो उस स्वर को बाहर निकालना है, और बाहर निकालकर से के साथ जोड़ना है। तो मनीषा का जो मनस प्लस ईसा संधि विच्छेद हुआ, इसमें जो टी संज्ञक है वो क्या है, आस।
यहां पर देखें पतंजलि, पतत प्लस अंजलि, यहां पर देखें क्या है डी संज्ञा, आदत है नहीं, इस तय से पहले देखना है कि स्वर किस में जुड़ा हुआ है, तय में जुड़ा हुआ है, इस तय में से स्वर को बाहर निकालकर व्यंजन के साथ जोड़कर क्या बनता है, अत टी संज्ञक है, क्या है अत। यहां पर देखें मार्तंड, मार्त प्लस अंड, मार्तंड है, इधर देखें तय में क्या है ए, तो यहां पर क्या होगा टी संज्ञक, ए टी संज्ञक होगा, ध्यान रहे टी संज्ञक ज्यादातर उसमें पूछा जाता है जो थोड़ा भिन्न बनता है, एक तो मनीषा में क्या बना अस, पतंजलि में क्या बना अत, इन दोनों में जो टी संज्ञक है वो ज्यादा पूछा जाता है, नहीं बाकी में तो सभी में जो टी संज्ञक है वो क्या है ए है, तो ध्यान रहे सीमंत है, सीम प्लस अंत सार प्लस संग, तो इधर देखें पररूप संधि कहती है इंगी पररूपम और क्या कहती है उपसर्ग होना चाहिए, यहां पर देखें ए के बाद ए हो जाता है, ए के बाद ओ हो जाता है, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला वर्ण और पर का मतलब होता है बाद वाला वर्ण, तो यहां पर बाद वाला क्या है ए, तो ए हो गया, यहां बाद वाला क्या है ओ हो गया, उपसर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए उपसर्ग, प्रेजते में प्रे, प्रेषयति में प्रे, अवोस्ति में अव, उपोस्ति में उप, पर ज्यादातर जो पररूप संधि है उसके अपवादों में से पूछा जाता है, तो हमारा अपवाद भी गलत नहीं होना चाहिए, तो यहां पर देखें सकंदो हो, करकंदो हो, कुल्टा, हलीसा, लांगलीसा, मनीषा, पतंजलि, मार्तंड, सीमंत, सारंग, ज्यादातर इसके जो वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण है वो आपके एक तो है कुल्टा, एक है मनीषा, एक है पतंजलि, एक है मार्तंड, और ये जो चारों उदाहरण हैं वो वेरी वेरी मोस्ट हैं, इनका विशेष ध्यान रखें, इनमें से संधि का नाम भी पूछ लेता है और संधि का नाम नहीं पूछता है तो टी संज्ञक पूछ लेता है, जैसे मनीषा में टी संज्ञक क्या है, मनस प्लस ईसा जब संधि विच्छेद करते हैं तो अस टी संज्ञक है, जैसे पतंजलि में पूछ लेता है कि टी संज्ञक क्या है, पतत प्लस अंजलि, तो अत टी संज्ञक है, तो ध्यान रहे थोड़ा सा। अब इसके कुछ उदाहरण और हैं, ओतु, ओष्ट, ओम और ए ही के रहने पर भी आपके पररूप संधि होती है, तो कुछ उदाहरण और हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं पररूप संधि में, देखें ओतु, ओष्ठ, ओम और ए ही के रहने पर भी आपके कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है, जैसे बात करें उदाहरण की स्थोलोतु, दो रूप बनते हैं स्थूल ऊतु, जैसे बात करें ओष्ठ की बिंबोष्ठ, बिंबौष्ठम, जैसे बात करें ओम की शिवायोम,
जैसे बात करें ए ही की, सिवे ही, तो इधर देखें ओतु, ओष्ट, ओम और ए ही के रहने पर भी आपके कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। स्थूल प्लस ओतु हो। यहां देखें बिंब प्लस ओष्ठम, यहां पर देखें शिवाय प्लस ओम, यहां देखें शिव प्लस ए ही। तो ये भी जो उदाहरण है वो आपके पररूप संधि के हैं, ओतु, ओष्ठ, ओम और ए ही के रहने पर भी आपके कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। ध्यान रहे, जैसे स्थूल ओतु, बिंबोष्ठम, शिवायोम, शिवेही, ये सभी किस संधि में आते हैं? पररूप संधि में आते हैं। अब देखें संधि के साथ साथ एक टॉपिक और है हमारा शब्द्रूप, और शब्द्रूप में पढ़ेंगे। अब तक हम चार शब्द्रूप पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ा था राम शब्द्रूप, दूसरा पढ़ा हरि शब्द्रूप, तीसरा पढ़ा पति शब्द्रूप, चौथा पढ़ा सखी शब्द्रूप और पांचवा पढ़ेंगे गुरु शब्द्रूप। गुरु जो है आपके उकारांत पुल्लिंग का शब्द है, ध्यान रहे पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि संस्कृत है वो आपके शब्द रूप और धातु रूप पर टिकी हुई है, और शब्द रूप और धातु रूप में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, शब्द रूप का एक और एक आपके धातु रूप का, तो गलत नहीं होना चाहिए। एक एक प्रश्न से ही बच्चा नौकरी लग पाता है, यदि सोचने लग जाए ये हमारे याद नहीं हो रहा हम नहीं पढ़ेंगे तो आप नौकरी कैसे लगोगे, ये थोड़ा ध्यान रहे। शब्द रूप अब तक हमने चार पढ़े हैं, चार के बाद जो पांचवा शब्द रूप है वो आपके है गुरु। गुरु जो है आपके वो है उकारांत पुल्लिंग का शब्द है। यहां पर देखें सबसे पहले लिखते हैं विभक्ति, सबसे पहले लिखी जाती है विभक्ति, और विभक्ति के साथ लिखा जाता है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ध्यान रहे हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है वो विभक्ति या वचनों में से पूछा जाता है, और ज्यादातर 99% विभक्ति में से पूछा जाता है। शब्द होगा और उस शब्द में आपसे विभक्ति पूछेगा, ये थोड़ा ध्यान रहे। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति सात होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। गुरु हो, गुरु, गुरुव, गुरुम, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरु भी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरुः, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरुः, गुरुवो, गुरुणां, गुरौ, गुरुवो,
यहां पर देखें गुरु शब्द जो आपके उकारांत पुल्लिंग का है, और जैसे पूछ लिया जाता है गुरु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचने किम रूपम अस्ति, गुरु बड़ा, तृतीया एक वचने गुरुणा, चतुर्थी एक वचने गुरुवे, पंचमी एक वचने गुरो, षष्ठी एक वचने गुरो, सप्तमी एक वचने गुरव। एक बार बोल के देख लेते हैं कि बोलने से याद होता है, किसी भी बार किसी भी टॉपिक को बार बार बोला जाए तो याद हो जाता है। पारायण विधि कहती है कि कितनी बार बोलना चाहिए, कम से कम 5 बार बोलना चाहिए। एक बार से याद नहीं होगा, कितनी बार बोलना है, 5 बार। गुरु गुरु गुरुवः, गुरुं गुरुः गुरुन्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुवो गुरुणाम, गुरौ गुरुवो गुरुषु। तो ध्यान रहे कि गुरु जो शब्द है उकारांत पुल्लिंग का शब्द है। एक बार और बोलेंगे गुरु गुरु गुरुवः, गुरुं गुरु गुरुन्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुवो गुरुणाम, गुरौ गुरुवो गुरुषु। तो ये हमारे जो शब्द रूप है, शब्द रूप में से विभक्ति पूछी जाती है। ध्यान रहे वो शब्द आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से भी हो सकता है। ध्यान रहे हमको क्या बतानी होती है, विभक्ति बतानी होती है कि कौन सी विभक्ति है। गुरु शब्दस्य पंचमी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति, गुरुभ्य। गुरु शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम अस्ति, गुरुः। गुरु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति, गुरुणा। गुरु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति, गुरौ। गुरु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति, गुरुषु। तो कहने का मतलब ये है, विभक्ति का विशेष ध्यान रहे, शब्द रूपों को एक बार याद नहीं हो रहे तो 2 बार बोले, 2 बार नहीं तो 3 बार बोले, 3 बार नहीं तो 4 बार बोले, और 4 बार नहीं तो 5 बार बोले। क्योंकि पारायण विधि कहती है कि जहां पर आप पारायण कर रहे हैं वहां पर एकांत होना चाहिए। दूसरा जो कहती है वो कि जब आप पारायण कर रहे हैं उस टाइम आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और पंचक पारायण होना चाहिए। यदि किसी को याद कर रहे हैं आप, कोई टॉपिक याद कर रहे हैं तो उसका पारायण पंचक पारायण होना चाहिए। कम से कम उसको कितनी बार बोला जाए, 5 बार बोला जाना चाहिए। जैसे शब्द रूप और धातु रूप है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे याद नहीं होता, तो याद करने का जो तरीका है कम से कम 5 बार बोले। पर जिस जगह आप बैठे हैं वहां एकांत होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा बच्चा आके भैया पहन दे, भैया ये चीज दे, डिस्टर्ब हो जाता है। एकांत होना चाहिए, मन एकाग्रचित होना चाहिए। कैसे याद नहीं होता ये विशेष ध्यान रहे। आज हमने स्वर संधि की 3 संधियां पढ़ी, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि, और इनके साथ साथ हमने एक शब्द रूप और पढ़ा, गुरु शब्द रूप जो उकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रकार और व्यंजन संधि के बारे में।